उज्जैन के डीपीएस के स्टूडेंट और स्टाफ यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके स्कूल की प्रिंसिपल अब इस दुनिया में नहीं है। वे मैथ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे, इंग्लिश में भी उनकी अच्छी कमांड थी, उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था, नाम था रेखा पिल्लई। जैसे ही सड़क हादसे में उनके निधन की खबर आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उज्जैन को दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा पिल्लई इंदौर के निपनिया क्षेत्र में रहती थी। वह रोज इंदौर से उज्जैन आना जाना करती थी। सोमवार को वह खुद कार ड्राइव कर अपनी ड्यूटी निभाने उज्जैन के लिए घर से निकली थी। तभी अचानक धतरावदा से करोदिया के बीच उनकी कार अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेखा उज्जैन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पिछले 5 साल से प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ थी। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि हादसे की वजह क्या रही। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। प्रिंसिपल रेखा पिल्लई रोजाना की तरह सोमवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर से निकली थी। कार वह खुद ही चला रही थी, वे इसी रास्ते से आना जाना करती थी। इस कारण कुछ लोग उन्हें पहचानने भी लगे थे। यही वजह थी कि हादसे के बाद कार को क्षतिग्रस्त देख लोगों ने उनके ड्राइवर अरुण को इसकी सूचना दी। ड्राइवर अरुण ने बताया कि मैडम हर शनिवार को कार खुद ड्राइव कर ले जाती थी, सोमवार को भी खुद ही ड्राइव कर स्कूल आती थी। इसी क्रम में सोमवार को भी वह सुबह स्कूल आ रही थी। अरुण ने कहा, चूंकि मेरा घर उज्जैन में ही है, सोमवार शाम को उन्हें इंदौर ले जाता हूँ, फिर रोजाना शनिवार तक मैं ही उन्हें लाता ले जाता था। मेरा घर ग्राम करोदिया में है, जहाँ मैं रुक जाता हूँ। माधवी मिश्रा ने बताया कि रेखा मैडम सुबह करीब 8:30 बजे तक आती थी, शाम को चली जाती थी। उज्जैन आने से पहले नोएडा में डीपीएस में पदस्थ थी। यहाँ बेस्ट टीचर का अवार्ड भी उन्हें मिला था। उनके पति का रिटायरमेंट हुआ था तो वे इंदौर रहने आ गए। इस दौरान उन्होंने उज्जैन डीपीएस ज्वाइन किया था। वे बहुत बुद्धिजीवी थी। 16 दिसंबर को हुए एनुअल फंक्शन में भी उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट बनाई कि लोगों को बहुत पसंद आई। उनकी मौत की खबर सुनकर स्टाफ के साथ स्कूल के बच्चों में भी शोक का माहौल है। आज ड्यूटी से ड्यूटी आते समय ग्राम धतरावदा और करौंदिया के बीच में एक पेड़ से एक्सीडेंट दुर्घटना उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उनकी बॉडी यहाँ अस्पताल उपचार के लिए भेजा, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।